सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप अपने वीडियो के बैकग्राउंड को कैसे चेंज कर सकते हैं इस तरह। तो गाइज, आपको कोई भी लैपटॉप और कंप्यूटर का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप अपने एंड्रॉयड और iOS डिवाइस की मदद से इसके वीडियो के बैकग्राउंड को आप चेंज कर सकते हैं। तो गाइज, इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आपको कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल करने होंगे। तो गाइज, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए गाइज, हम अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन के स्क्रीन पर चलते हैं। तो दोस्तों, मोबाइल की स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टिप्स देना चाहता हूं। अगर आप अपने वीडियो के बैकग्राउंड को रिमूव करना चाहते हैं और उसके जगह में इमेजेस या तो वीडियोस लगाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले एक ग्रीन स्क्रीन परचेज करना होगा। क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे वॉल पर जो है ग्रीन स्क्रीन लगा हुआ है और गाइज, मैं यहाँ पर जो है थोड़े डिस्टेंस में खड़ा होकर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि जो है जब एडिटिंग के समय आप इसको रिमूव कीजिएगा तो एकदम प्रोफेशनली और अच्छा तरीका से रिमूव होगा और आपका वीडियो की क्वालिटी जो है बहुत अच्छा आएगी। तो गाइज, आप स्क्रीन को परचेज कर सकते हैं अमेजोन या फ्लिपकार्ट पर या तो कोई भी आप ई कॉमर्स वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। ये लगभग 500 रुपीज़ की आती है, आप सर्च करके देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का परचेज कीजिएगा तभी आपका वीडियो का जो है क्वालिटी इंप्रूव होगा और अच्छा होगा। तो गाइज, अब चलते हैं हमारे मोबाइल की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आपको एक काइन मास्टर को इंस्टॉल करना होगा प्ले स्टोर से। एक्चुअली मेजोरिटी ऑफ यूजर्स जो है काइन मास्टर का ही है, वैसे आप कोई भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर से इसको रिमूव कर सकते हैं लेकिन काइन मास्टर में गाइज आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। आप मोबाइल डिवाइस में आसानी से एडिटिंग कर सकते हैं अपने वीडियोस को और आप में से बहुत कोई काइन मास्टर यूज भी करता है। तो दोस्तों, हम लोग काइन मास्टर के थ्रू ही इसको रिमूव करेंगे। तो आप काइन मास्टर अगर नहीं है आपके पास तो आप इंस्टॉल कर लीजिए। और गाइज, आपको एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप काइन मास्टर डेमो वर्जन का यूज करते हैं तो काइन मास्टर का वाटर मार्क्स आ सकता है आपके वीडियोज में, वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। और आप अगर रजिस्टर्ड यूजर हैं तो आपको बहुत सारे फैसिलिटीज को जो है अनलॉक कर दिया जाता है। दोस्तों, काइन मास्टर को ओपन कर लेने के बाद आपको एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना होगा। 16:9 यूट्यूब के लिए बेस्ट है। तो गाइज, हम लोग 16:9 का प्रोजेक्ट हम लोग ले लेते हैं। प्रोजेक्ट को ले लेने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइमलाइन अभी ब्लैंक है। आपको जो है मीडिया में जाना है। आपको मीडिया में जाने के बाद आपको जो भी इमेज या वीडियो को बैकग्राउंड में लगाना है आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो हम लोग गाइज यहाँ से जो है एग्जाम्पल के लिए कोई भी एक बैकग्राउंड को जो है यहाँ पर ऐड कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। इसके ड्यूरेशन को थोड़ा सा बढ़ा और यहाँ से गाइज आपको जो है लेयर पर जाना होगा। लेयर पर जाने के बाद आप अपने मीडिया को इंपोर्ट कर लीजिए। जो वीडियो को आपका बैकग्राउंड को हटाना है, जिस वीडियो का, वो वीडियो आप सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ पर। तो गाइज, हम लोग जो है एग्जांपल के लिए इस वीडियो को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद आपको जो है गाइज स्क्रीन पर फिट करना, आप इसको मैनुअली कर सकते हैं या तो आप यहाँ पर स्प्लिट स्क्रीन के जरिए भी ऑटोमेटिकली यहाँ पर सेट हो जाते हैं। तो गाइज, अब आप देख सकते हैं कि मैं जो है इसका ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करने वाला हूँ और मेरा जो बैकग्राउंड लिया हुआ है मैं उसको यहाँ पर सेट करूँगा। तो इसको सेट करने के लिए आपको वीडियो पर जाना होगा। क्रोमा की नाम का एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, क्रोमा की को जो है गाइज इनेबल कर देना। अब आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली क्रोमा की जो है यहाँ पर डिटेक्ट कर लिया गया और काइन मास्टर जितना भी कर सकता था वो ऑटोमेटिकली कर दिया। अब हम लोग को मैनुअली जो है इसको थोड़ा सा प्रोफेशनल लुक देना होगा और थोड़ा जो है एक्यूरेसी का दिखाना होगा। तो गाइज, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है आपके सब्जेक्ट को जो वाइट रखना है और बैकग्राउंड को ब्लैक रखना है। अब बैकग्राउंड को ब्लैक रखना है तो आपको गाइज यहाँ पर जो है थोड़ा सा सेटिंग्स करना होगा। यहाँ पर शो मास्क में ले जाके आप देख सकते हैं, यहाँ से हटाते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा ग्रीन ग्रीन साइड में आपको दिख रहा है। इस सब को भी आप जो है मैनुअली हटा सकते हैं। यहाँ पर डिटेल्स कर्व में जाइए, यहाँ से गाइज आप देख सकते हैं कि एडजस्ट कर सकते हैं इसके लाइट को, इसके जो है बैकग्राउंड को आप यहाँ से जो है सेटिंग कर लीजिए। और अब आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक ठीक है। और अगर यहाँ पर भी आपको परफेक्शंस नज़र नहीं आता है तो आप इसके वीडियोस पर जाइए और गाइज आपको यहाँ पर जाना है कलर एडजस्टमेंट पर। कलर एडजस्टमेंट में थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट वगैरह जो है थोड़ा सा आपको बढ़ाना होगा। मेरा फुटेज जो है थोड़ा सा डार्क है तो मैं थोड़ा सा इसको जो है हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पर गाइज आप देख सकते हैं कि जो है मेरा पूरा फुल्ली ग्रीन स्क्रीन जो है हट गया है और बैकग्राउंड में एक बहुत ही अच्छा आपको बैकग्राउंड यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो दोस्तों, ये थे इसके डिटेल्स ट्यूटोरियल। आप भी अपने वीडियोस पर बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं, कोई भी इमेजेस लगा सकते हैं, वीडियोज़ लगा सकते हैं और काफ़ी अच्छा इम्प्रूव कर सकते हैं आप यूट्यूब पर। और गाइज, आपका वीडियो काफ़ी अच्छा रैंक करेगा अगर आपका वीडियो क्वालिटी अच्छा होगा, साउंड का क्वालिटी अच्छा होगा। तो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे ट्यूटोरियल्स के साथ, कुछ अच्छे नॉलेज के मैं शेयर करते रहूंगा इस चैनल पर। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।